एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ये बड़ा मुद्दा है, देश की परवाह का मुद्दा। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि भारत चीन तनाव पर ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है। सर्दियों में भारत चीन में एलएसी पर जंग मुमकिन है, ये कहा है ग्लोबल टाइम्स ने। सर्दियों के लिए पीएलए ने एलएसी पर तैनाती को बढ़ा दिया है, यानी चीन की सेना ने एलएसी पर तैनाती को बढ़ाया है। एलएसी पर पीएलए के लिए रसद पहुंचा रहा है चीन, यानी सर्दियों में जंग मुमकिन है, ये कह रहा है ग्लोबल टाइम्स। भारत चीन तनाव पर ग्लोबल टाइम्स की बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी धमकी भारत के लिए। हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए। मनीष, हम लगातार ये देख रहे हैं कि चीन की तरफ से एलएसी पर जो तनाव है उसे कम करने की नहीं बल्कि बढ़ाने की कोशिश की जाती है समय समय पर। एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स में जो ये खबर छपी है वो उसी की तरफ इशारा करती है कि चीन की तरफ से एक दबाव बनाने की रणनीति, ये दुनिया को बताने की रणनीति कि देखिए हम रसद पहुंचा रहे हैं। अगर वो रसद पहुंचा रहे हैं तो भारत भी तैयार है। देखिए, फिलहाल तो आज की रिपोर्ट मुझे दरअसल इस बात को देखकर लगती है कि कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग कल से चल रही है, अगले 3 दिन तक चलनी है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक बार फिर ताकतवर बनाने के लिए और उनके तीसरे टर्म के लिए मुहर लगनी है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल टाइम्स फिलहाल अभी चापलूसी करने में लगा है और वहां के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद को उभारने में लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात सच है कि सर्द के समय जब दोनों देश की सेनाएं वहां पर रहेगी और भारत ने वहां पर मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखा है, तो भारत हर तरह की चुनौती से तैयार है। हाँ, ये अलग बात है कि चीन की सेना अभी भी 1987 के उस ठंड के मौसम का हाल नहीं भूली होगी, जब चीन के सैनिकों की जो हालत खराब हुई थी, जब भारत के सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई थी। जी। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल टाइम्स बार बार इस तरह की रिपोर्ट करके अपने लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश में लगा है कि हाँ, हम वहाँ पर मौजूद हैं, हम वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि कोई सवाल चीन के राष्ट्रपति या उनकी सरकार पर न हो। जी मनीष, बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ राजन कोचर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। राजन जी, आपसे मैं जानना ये चाहूंगी कि अभी मनीष ने भी बताया कि बहुत से इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी चीन के भीतर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। इस वक्त वहाँ कांग्रेस चल रही है, अपनी ताकत दिखानी है, शी जिनपिंग को बताना है कि वो कितने सक्षम है, सब कुछ कितने अच्छे से कर सकते हैं। ये सब है वजह जिसकी वजह से इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन क्या है हकीकत इस बात में जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से छपा है? सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ अपने ऑडियंस को खुश करना है, या इसमें हकीकत भी है कि इस तरह का तनाव और बढ़ सकता है सर्दियों में? देखिए सुमेरा जी, बेसिक फैक्ट इज कि ये जो ऐसा टेरेन है कि विंटर्स में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट का कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है, बिकॉज पासेज आपके बंद हो जाएंगे, स्नोफॉल आपकी स्टार्ट हो गई है, नवंबर में शुरू हो जाती है उस एरिया में। हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से एडवांस विंटर स्टॉकिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है अक्टूबर एंड तक। तो जो भी वहाँ पे एमुनिशन डंपिंग है और जो भी हमारे जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं और हमारे जो बंकर्स हैं और हमारे जो हीटिंग इक्विपमेंट वगैरह है, वो सब हमारा प्लेस में है। तो ये इंडियन आर्मी वो वाली आर्मी नहीं है जो ये सोच रहे थे 1962 में है। ये हम पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके वहां पे बैठे हुए हैं। जी, यानी अभी सर्दियों में ऐसी कोई भी जंग जैसे हालात बनाना चीन के लिए भी बहुत मुश्किल है और किसी के लिए भी इस वक्त वो मुनासिब नहीं होगा, ना वहां हो सकता है। तो फिर ये खबर अगर ग्लोबल टाइम्स में आती है, ग्लोबल टाइम्स इस तरह की खबरें छाप रहा है, तो क्या है दरअसल कोशिश? कोशिश यही है कि दिखाएं दुनिया को कि देखिए पीएलए कितना अच्छा काम करी है, शी जिनपिंग कितना अच्छा उनका नेतृत्व है और उनमें भरोसा चीन के लोगों का कायम रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसी ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा का एक मीडियम है पीएलए के लिए। और जब भी आपने बिल्कुल राइटली बताया कि ये इनकी इंटरनल ऑडियंस को इसको ज़्यादा एक्चुअली दिखाने के लिए होता है, क्योंकि जहाँ पर भी आप देखें रीजिंग पिन हैज नॉट बीन अ सक्सेस, वहाँ पे ताइवान में उसको प्रॉब्लम आई है, उसको कोविड के बाद उसकी जो छवि है उसकी कंट्री की और उसकी अपनी छवि वो इफेक्ट हुई है। और ये जो आइकस अलायंस आ रहा है इंडो पैसिफिक में, और जो क्वाड भी जो स्ट्रेंथन हो रहा है डे बाय डे, ये उसको एक चैलेंज अभी दे रहा है। और जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है जी, यानी अपनी हालत खराब है, चुनौतियां बहुत सी मिल रही हैं और इस वजह से इस तरह के प्रोपेगेंडा को समय समय पर चीन की सेना, चीन की सरकार इस्तेमाल करती है और वही एक बार फिर किया गया। बहुत शुक्रिया जुड़ने का हमारे साथ, राजन कोचर जी आपका भी, मनीष आपका भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।